क्या पक रहा है खयांती? तो कम ना कैसे चुप नहीं आने मिलाएगा भाई अम्मा आदाब अरे जरा ढंग से दूध आदाब भाई अम्मा अरे सईदा कब आई तू कल आई है सब ठीक है मजे में दुआ है जी तेरा अस्सलाम सलाम अरे बच्चा क्या कर रहा है अंडे बेच रहा है इस उम्र में आओ ना जरा अस्सलाम वालेकुम दाद साहब अस्सलाम वालेकुम क्या लाई आप इसे प्लेट कहते हैं और इसे चने का हलवा और इसे खाया जाता है इस मौसी की क्या बात है बहुत अच्छा तूने बनाया क्या नहीं अम्मा ने तो बनेगा दाऊद के लिए भेज दो बाजार का खाते खाते बेचारे के मुंह का मजा बिगड़ गया होगा तो अम्मा बोली अपने सामने गिला के आना दफ्तर जाने की घंटी बज गई यानी कि मैं जाऊं बिल्कुल कपड़े बदलने अच्छा हलवे के लिए अब्बू से शुक्रिया कह देना ये घड़ी हुई तो मेरी जान की दुश्मन हो गई है अब जाओ तो सही तुम जा जाती हूँ आदाब भाई मैं अरे वहाँ का रुक गई जल्दी से मेरा कुर्ता लो भाई मैं दस मिनट पहले से देर हो रही है ले 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 करती हो तुम आठ भी आजकल इतने जल्दी बज जाते हैं क्या ये आराम से वक्त कुर्ते का सीधा रास्ता कभी दिखाई नहीं देता मुझे अरे कपड़ों से कुश्ती क्या लड़ रहे हैं तू पहले से बहुत देर हो गई भाई अम्मा अगर आठ तेरह की बस मिस होगी ना तो लाला फकीर चंद इतनी डांट खिलाएंगे कि तीन दिन मुझे भूख नहीं लगेगी हाँ अरे तो तू खाता ही क्या है तू भूख ना लगी तो शहर में आज का भाव गिर जाएगा अच्छा भाई चलो मैं अरे कुछ खा के तू जा मेरी बस छूट जाएगी देख दाऊद अगर अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखता तो मेरे छह महीने का किराया निकाल और खोली खाली कर देख भाई अम्मा जितना जी चाहे मुझे तू डांट ले लेकिन मुझे अपने से दूर मत भेजना तुम्हारी समझ दुनिया में मेरा ही कौन तो फिर खा अच्छा रास्ते में खा लूंगा अच्छा ठीक है आप क्या है भाई अम्मा मुझे दे ले ये ले पांच रुपए दोपहर का खाना भी खा लीजो ले अरे लाइन से क्यों नहीं आते भाई साहब सबको जगह मिलेगी बस धक्कम धक्की में आप लोग आ ले साहब ए भाई आओ साहब अरे 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 कोई छोड़िया ओए किसका ओए ये बंद दरवाजा कायनात मिर्जा सिल्वर बीच 55 जुहू बंबई फरमाइए जी मैं कायनात मिर्जा साहिबा से मिलना चाहता हूँ मैं ही कायनात हूँ माफ कीजिएगा मैं आपको पहचानता नहीं था लेकिन मैंने तो आपको अब तक नहीं पहचाना जी मेरा नाम दाऊद है दाऊद अली खान यूसुफ जई कमाल है इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना लंबा चौड़ा नाम बना लिया शुक्रिया मेरा तो सिर्फ नाम ही लंबा है लेकिन आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नॉवल लिख डाला नॉवल मेरा नॉवल आपको कहाँ मिला वहीं जहाँ छोड़ाई थी 81 लिमिटेड बस में ओफो मैं भी कैसी पागल हूँ नॉवल का मुसवदा बस में ही छोड़ाई बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद साहब नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई होती आइए अंदर तशरीफ लाइए नहीं आज इजाजत दीजिए वो बस किताब घर पहुँचना है ना इसलिए आप किताब घर में काम करते हैं जी वो लोग तो किताबें छापते भी होंगे जी हाँ छापते हैं बेचते हैं आदाब किताब घर नमस्ते लाला जी नमस्ते आधा वर्ष लाला जी आधा वर्ष कृष्ण सोपति का नया एडिशन आया है नमस्ते लाला जी जीते रहो फातिमा जीते रहो क्या ऑफिस में आओ जी आधा वर्ष आधा वर्ष क्या बम्बई में असिस्टेंट पहले कभी देखी आधा वर्ष क्यों लाला तुम्हारी सर्दी कैसी है अभी तो ठीक है क्योंकि मुझे लग गई है अरे दाऊद दाऊद नहीं आया जी आधा वर्ष से जी तेरे की माफी चाहता हूँ माफी बाद में मांगना पहले मुझे इस महीने में जो किताबें छपी उनकी लिस्ट चाहिए अभी ला जी आदाब चाचा जान आदाब सुलेमान साहब आए तो मेरे पास भेज देना जी बहुत अच्छी ऑफिस में एक मिनट वो लिस्ट लिस्ट कहाँ है लिस्ट
क्यों भाई, लिस्ट तैयार हो रही है दाऊद? बस अभी कर ही रहा हूँ नाना जी। क्या हाल है शकुन भैया? बहुत दिन से देखे नहीं। दाऊद यहाँ आजा, आजा। गरम गरम कचौरियां बनाइए, चाय के साथ खा ली। आ बैठ। मैंने अपनी मां तो देखी नहीं, लेकिन वो होती भी तो वो तुमसे ज्यादा प्यार तो नहीं कर सकती थी भाई। अम्मा बड़बड़ ना कर, ले कचौरी खा। तुम भी खाओ ना। दाऊद अब तू शादी कर डाल। शादी? हाँ। अरे भाई अम्मा, 700 रुपए में अपना गुजारा तो होता नहीं, बीवी का रखूंगा। आग लगे मुझे ऐसी नौकरी को, तो फिर और क्या करूं? मेरी माँ ने तो नादिरा से निकाह कर ली। नादिरा से? हाँ, उम्रुद्दीन आज कह भी रहे थे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बेटी और जूते की दुकान दामाद को देकर हज को चले जाए। मैंने एमए जूते बेचने के लिए किया था। नहीं नहीं, तूने तो एमए जूते खाने के लिए किया था। जूते बेचने से तो तेरी डिग्री का कागज घिस जाता है ना, तो फिर खाता रहे जमाने के जूते। माँ तू मेरी किस किस बात की फिक्र करेगी, खाने की, पीने की, रहने की और अब शादी की भी। हाँ। ये शादी की बात तू मुझ पे छोड़ ले, एक दिन ऐसी बहू लाऊंगा तेरे लिए कि तू बस देखती रह जाएगी। हाँ सच? क्या कोई देख रखी है? भाई माँ देखी तो है, रखी नहीं। सच? सलीम भाई इसका बिल बना दीजिए। जी अच्छा। अरे आप, आदाब। आदाब, कैसे सहमत की? आपने कहा था ना कि आपके यहाँ किताबें छापी भी जाती हैं। हाँ? तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी जान पहचान का फायदा उठाया जाए। अरे, जी मैं किस काबिल हूँ? मैं तो यहाँ कम से कम इस काबिल तो जरूर होंगे कि मेरी सिफारिश कर सके और शायद मेरी नॉवल यहाँ से छप जाए। मेरी सिफारिश आपकी कितनी मदद कर सकती है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं सुलेमान साहब से आपको मिलवा सकता हूँ जो हमारे जनरल मैनेजर हैं और किताबें छापने के इंचार्ज भी। हाँ शुक्रिया। आइए। आ जाइए। आइए सर। सर ये है कायनात मिर्जा साहिबा। आदाब। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अरे भाई दाऊद। जी सर। तुम भी बैठो ना। शुक्रिया सर। सर सर कायनात मिर्जा साहिबा बहुत कमाल का लिखती हैं। दाऊद साहब गालिबन मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ कर रहे हैं जनाब। आप जो भी लिखती होंगी अच्छा ही लिखती होंगी, इतना शगुफ्ता और शादाब मजा, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर अब तो कभी कभार ही देखने को मिलता है। शुक्रिया। वैसे आप लिखती क्या हैं? पता नहीं, मगर कहीं पढ़ा था कि हर एक आदमी की जिंदगी में एक नॉवल जरूर होता है, तो लिख डाला। अब ये नहीं मालूम जो लिखा है वो नॉवल है भी या नहीं। सर मैंने इधर उधर से उलट पलट के देखा है, ना सिर्फ इन्होंने जो लिखा है वो नॉवल होगा बल्कि मेरे ख्याल से अच्छा खासा नॉवल होगा। अच्छा नॉवल है तो हमने अब तक छापा क्यों नहीं? सर इसलिए तो इन्हें आपके पास लाया हूँ। देखिए मिस मिर्जा, कायनात कहिए ना। वो क्या है कि हमारे उसूलों के मुताबिक सर। यस, मैं इजाजत चाहूंगा वो दुकान में सलीम साहब। और सुनिए। जी सर। जरा चाय के लिए कह दीजिएगा। अरे दाऊद। जी लाला जी, इसे पैक करा के वहां रख दो। जी अच्छा। जी ये तनख्वाह नहीं लोगे? ले लेंगे लाला जी। तनख्वाह नहीं लेंगे तो खाएंगे कहां से, और फिर अपनी कड़की तो महीने के शुरू से चालू हो जाती है। ये साहबजादी कौन थी? एक नई राइटर है। नई भी और हसीन भी है। अरे सुनिए क्या हुआ, क्या हुआ? मुसविदा रख लिया है, कह रहे थे पढ़कर खबर करेंगे। अरे ये तो खूब खबर सुनाई। मान लीजिए आधा मैदान मार दिया अभी आप। मिठाई विठाई खिलाने का इरादा है कि नहीं? मिठाई क्या, आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए। हाँ। अम्मी के हाथ का बना लखनवी खाना खिलाऊंगी आपको। मुंह में पानी आ गया। करवाएंगे। अच्छा इस वक्त के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
दाऊद। अरे भाई दाऊद मियां। सर हम जरा महेंद्र सिंह बेदी साहब से मिलने जा रहे हैं जी। दफ्तर वापस नहीं आए, वैसे भी दो चार दिनों के लिए मसरूफ है। आप ऐसा करिएगा, ये कायनात मिर्जा साहिबा आई थी ना जी, इनका ये मसविदा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में अपनी राय दे दीजिएगा, यही दो चार लाइनों में, बाकी हम देख लेंगे। नाइस गर्ल। सुनिए कायनात जी, सुनिए। क्या हुआ? वो हुआ कि जब आप चली गई तो सुलेमान साहब ने आपका मसौदा मुझे पढ़ने के लिए दे दिया, ये बात बताने के लिए भाग गया। शुक्रिया, ये तो खुशखबरी हुई। खुशखबरी तो हम पढ़ के बताएंगे। वैसे आपके नॉवल का सब्जेक्ट यानी मजमून क्या है? तवायफ। मैं पूछ सकता हूँ आपने ये मौजू लिया क्यों? इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं बुराई तो नहीं, लेकिन आमतौर पर लिखने वाले जिंदगी के उस पहलू पर कलम उठाते हैं जो उनका दिखा या समझा हो। मैं नहीं समझता कि आप तवायफों के बारे में इतना जानती हैं कि उन पर कलम उठा सके। ऐसा है दाऊद साहब कि बात सुनने में शायद बुरी लगे, मगर है बिल्कुल सच कि दुनिया में हर औरत एक बिकाऊ माल है। वो चाहे तो घर में बिके, चाहे बाजार में। कभी वो पैसे के लिए बिकती है, कभी घर गृहस्थी के लिए। कहीं वो खुद बिकती है अपनी मर्जी से, कहीं वो बेच डाली जाती है। वैसे देखा जाए दाऊद साहब तो हर औरत एक किस्म की तवायफ जरूर है। मैं नहीं कह सकता कि आपकी दलील दुरुस्त है, लेकिन इसमें वजन जरूर है। नॉवल कैसा है यह तो मैं पढ़कर ही बताऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि दिलचस्प जरूर होगा। शुक्रिया। अरे बातों बातों में पता ही नहीं चला, देखिए मेरा घर आ गया। इसका मतलब खुदा हाफिज़? हरगिज नहीं, जब तक आप अंदर चल के एक कप चाय नहीं पियेंगे तब तक ना खुदा आपकी हिफाजत करेगा न मेरी। तौबा तौबा, खुदा को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। आइए। अम्मी अम्मी, ये दाऊद साहब है। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। आइए। अम्मी, दाऊद साहब मेरा नॉवल छपवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। अल्लाह जीता रखे मियाँ, इसकी किताब छप जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए तो दलिद्र दूर हो जाए हमारे। ये जो तुम देख रहे हो ये सब दिखावा है बेटा। कायनात के अब्बा मरहूम ने बनाया तो बहुत था, लेकिन अचानक गुजर गए। अब ये एक घर बचा है, वो भी किराए का। छोड़िए ना अम्मी, आप भी क्या दुखड़ा लेके बैठ गई? दाऊद साहब से चाय का वादा किया था मैंने, अभी लाती हूँ। तुम ठहरो, मैं देखती हूँ। वारिस अली, आप फिर आना, आज हमारे घर में मेहमान है। इलियो, मेहमान है तो हम क्या करें? अरे हमको किराया दे दो, हम चला जाऊंगा। हम दे देंगे आपका किराया, जहाँ इतने दिन सब्र किया है और थोड़े दिन कर लो। सब्र काहे कर लियूं? वारिस अली, अभी तो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। नहीं है तो मकान खाली कह दो, और हम कहते हैं जब पैसा नहीं है तो माँ बेटी कहीं जोड़ो पट्टी लगा कहीं नहीं रहती। बड़े बदतमीज आदमी हो तुम, औरतों से बात करने का सलीका नहीं तुम्हें? बाबूजी, हम यहाँ सलीका सीखे नहीं आवे हैं, पैसा वसूल करने आवे हैं। का पैसा? और आपकी छाती फटत है तो आप ही दे दो। कितने पैसे हुए? यही 7 महीने का 350। और मकान तो समझो मुफ्त का है, आज खाली हो जाए तो 2 लाख पकड़ी आवे। 2 लाख पकड़ी आवे, चलो तुम्हारे 350 दफा जाओ, ऐसे दफा जाओ। अरे कायनात, तुम्हारे आंसू ना दुनिया का दिल पिघला सकते हैं और ना तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। बाहर दूर दूर तक रात थी, काली और सुनसान रात। एक नन्हा सा बल्ब सहमा सहमा सा रात से अपनी रोशनी के लिए भीख मांग रहा था। गलियारे के अगले सिरे पर एक दरवाजा था बंद। इस दरवाजे से छन छन के घुंघरों की आवाज आ रही थी, जैसे मुझसे कह रही हो, कायनात मिर्जा, अगर तुम वाकई कहानियां लिखती हो तो हिम्मत करो और इस बंद दरवाजे में झांको और देखो कि यहाँ जिंदगी के साथ कैसी बदसलूकी की जा रही है। कौन? कौन है भाई? आ रहा हूं, दरवाजा टूट जाएगा, आराम से। क्या? कौन तुम? अरे कौन है भाई इधर? अपुन का नाम रहीम शेख है, कभी सुने लायक नहीं?
डांट सुन ले। अपुन है रहीम शेख, मतलब रहीम दादा। और सुन, ये छोकरी आज अखी रात इधर तेरी खोली में रहेगी, क्या समझा? ये लड़की खोली में क्या? जबान हिलाएगा तो कल फजर का सूरज तेरे को नजर नहीं आएगा, सुना? मगर ये एक टाइम बोला ना, जबान हिलाएगा तो यही खोली में गाड़ के तेरी कब्र बना डालूंगा, क्या? हाँ बस सुन रहे, कल सवेरे मैं आके इसको लेके जाऊंगा, समझ गया? कल सवेरे? क्या मुसीबत है भाई ये? अरे कौन था ये आदमी? ये आदमी नहीं था, रहीम शेख था, जुम्मा भट्टी का दादा, और मैं सुल्ताना हूँ। अरे तुम जो भी हो, लेकिन मेरी खोली में कैसे रह सकती हो? ये बात तुमने रहीम शेख से क्यों नहीं कही? शराफत भी कमजोरी का दूसरा नाम है। वो समझ में नहीं आता क्या करूं। अजीब मजाक है, कोई भी गुंडा किसी शरीफ आदमी का घर घुसा है और जबरदस्ती लड़की को छोड़ जाए और कहे कि रात भर यहीं रहेगी। अरे उसके बाप का राज है क्या? तू तो लग लगता रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। क्यों बे भालू? अरे मैं तेरे से ही बात कर रहा हूं, उठ उठ। जी वो बात ये है कि आपको गलतफहमी हो रही है। अरे किधर गलतफहमी हो रही है, साला हवलदार पांड्या को उल्लूच नहीं बना सकता कोई। तेरे गले में रुमाल देखते ही हम समझ गया तुम क्या चीज है। नाम बोल। नाम दाऊद, दाऊद मोहम्मद खान यूसुफ जई। अरे बहुत लंबा नाम है तो है। दाऊद आगे बोल, किधर रहता है? रहता अमीना भाई की चाल में, वो पीछे। अच्छा पैसा बोल, पैसा 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 तो नहीं ला साहब, वही घर। अरे पैसा नहीं, पैसा 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 नहीं ले साहब। धंधा धंधा क्या करता है? धंधा राइटर हूँ साहब, लेखक हूँ। पहले क्यों नहीं बोला? अरे बैठ बैठ बैठ, तुम तो साला अपनी बरादरी का आदमी निकला। अपन भी जोरदार राइटर है, पर अपन को लिखना ही नहीं आता। मगज में भरेला पड़ा है स्टोरी आइडियाज। अरे कल ही अपन के दिमाग में एक ऐसा धांसू आइडिया आया कि अपन सुनते ही फड़क उठा। तुमको सुनाता है। एड इन, द्रौपदी बाई तालाब में नहा रही है। क्यों? पहला समझने का बात है पार्टनर, द्रौपदी बाई तालाब में नहीं नहाएगा तो सेक्स किधर से आएगा? सेक्स। और द्रौपदी बाई को अपन इसी वास्ते हीरोइन लिया कि वो सेंसर का भला लोग द्रौपदी बाई को कट कैसे कर सकता। तो द्रौपदी बाई लक साबुन से नहा रही है। लक साबुन से? हाँ। क्यों? अरे लक से इसलिए कि लक्स वालों को एडवर्टाइज का नाम लेकर अपन उनको 50,000 रुपए से धो लेंगे, नहीं समझे? अरे इस स्टोरी में तो आइडिया ही आइडिया। अच्छा तो द्रौपदी माई नहा के बाहर निकले, बाहर आकर उसने फेले मिल की फुल वायल की साड़ी बांधी, इश्तहार नंबर 2, 50,000, 1,00,000 हो गया ना। उसके बाद उसने दाऊद का सैंडल पहना। अरे अपना दिल करेगा तो अपन द्रौपदी बाई के मुंह में एक डायलॉग डाल देंगे। वो अपनी सखी को मुस्कुराकर बोलती है, सखी मैं हमेशा दाऊद के जूते पहनती हूँ, ये घिस तो सकते हैं मगर फट नहीं सकते। फट नहीं सकते। साला ये दाऊद वाला तुम्हारा सगे वाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, सगे वाला होगा तो पैसा नहीं मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का, नहीं तो अपन दाऊद का सैंडल निकाल कर बाटा का पहना देंगे। द्रौपदी बाई को क्या फर्क पड़ेगा स्टोरी से? अपने हाथ में स्टोरी। चलिए आगे आगे। द्रौपदी बाई ने सैंडल पहना और एक बांधी चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश लेकर आई। चेरी ब्लॉसम बूट? अरे पार्टनर एडवर्टाइज नंबर 4, बिना कहानी के 2,00,000 पॉकेट में। आजकल सब्जेक्ट से ज्यादा एडवर्टाइज में पैसा है, और अपने सब्जेक्ट में तो एडवर्टाइज ही एडवर्टाइज है, स्टोरी किधर है? अच्छा पार्टनर अभी एक बहुत काम का बात करता है, अपन लोग टीम बना लेता है। टीम जोड़ी? अरे आजकल टीम का ही जमाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, सलीम जावेद, पॉपी, लहरी।
पप्पी लहरी एक ही आदमी है, एक ही आदमी है। साला ये तो 400 भी से हुआ, कभी हमको मिलेगा तो हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम सिंगल आदमी होके डबल नाम कैसे रख सकता, ये गलत बात है। ठीक है, देख लेगा पार्टनर। अपना टीम का नाम होगा दाऊद और पांड्या, दाऊद पांड्या। अरे मिला, नेशनल इंटीग्रेशन। साला सेंसर भी खुश हो जाएगा। अब आप उठ जाइए। नहीं नहीं, कौन है आप? मैं कोई नहीं हूं। वो आपको रात को वो क्या बोलते नाम उसका, रहीम दादा छोड़ने आया था। अब उठिए, वो आते ही होगा। और मैं बाथरूम जाता हूँ, और आप ये वो शायद रहीम दादा आ गया। नमस्ते भाभी जी, अपन दाऊद भाई स्टोरी वाला का पार्टनर हवलदार पंड्या। अपन लोग एक टीम बनाया, आजकल टीम के बिना फिल्म में कामेज नहीं मिलता ना भाभी जी। इसलिए रात अपन पार्टनर को बोला था कि अपने मगज में एक आइडिया रिंग रहा होता। आपको तो पता नहीं होएगा, इधर एक जबरदस्त गुंडा होता जो कल रात पकड़ा गया, रहीम दादा। पकड़ा गया? हाँ, और इसी आइडिया पर अपन एक स्टोरी टाइप दिया। अच्छा, अपना ये दाऊद भाई है किधर? जी वो नहा रहे हैं। हाँ, कोई वादा नहीं, वो तैयार होने तो अपन बाहर इंतजार करना, कोई वादा नहीं। रहीम जी आ गए? अरे नहीं, कोई हवलदार है, कहता है रात को रहीम पकड़ा गया। क्या? आदाब भाई माँ। जीते रहो मियाँ। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। मियाँ, आप दाऊद से मिलने आए हैं? जी हाँ भाई, आप दाऊद भाई का पार्टनर, आप लोग राइटिंग का एक टीम बनाया, दाऊद पांड्या। अच्छा अच्छा, दाऊद को पता है ना कि आप आए हैं? वो भाभी जी को बोल दिया। भाभी जी? हाँ, दाऊद भाई का वाइफ, बीवी। बीवी क्या अंदर है? दाऊद, ये शादी की बात तू मुझ पे छोड़ दे, एक दिन ऐसी बहू लाऊंगा तेरे लिए कि तू देखती रह जाएगी। हाँ, कोई देख रखी है? देखी तो है, रखी नहीं। सच कहता था कि देखती रह जाऊंगी। दाऊद जी, भाई अम्मा। भाई अम्मा के बच्चे, तेरी ये मचाल, तुझे शर्म नहीं आई? मैं करता क्या भाई अम्मा? मुझसे झूठ बोल रहा था जी। भाई अम्मा देखी तो है पर रखी नहीं। नहीं रखी नहीं, मेरे जीते जी ऐसे छुप छुपाते ले आए मेरी बहू को। बहू को? और नहीं तो क्या। अरे? ना किसी ने नजर उठाई, ना कुरान शरीफ का साया किया, ना दो लाख का बनने। मेरी बात समझिए, बात ये हुई कि नहीं, मैं क्या समझ रही। सारी बात तो तू ही समझाने वाला है ना, क्योंकि उम्र में तो तुझसे छोटी हूँ। भाई माँ, ऐसी बात नहीं, देखो ये जो है ना, अरे मेरी बात तो सुनती जाओ। अरे बहुत अच्छा, बड़ी भाई माँ, क्या बात है भाई माँ, क्या बात है भाई माँ, क्या बात है भाई माँ, देखो तो सही, कैसी जान सी दुल्हन लेकर आया है दाऊद। अरे जान सी दुल्हन लाया, ये खुशखबरी थी।
भैया मैया कहाँ लेके जा रही हैं आप? ओहो तू चल तो सही, खुद ही देख लीजो। अब अंदर कहाँ लेके जा रही हो? चुप रहे। अल्लाह तेरे सुहाग की उम्र दराज करे बेटी। आज तूने मेरा वो अरमान पूरा किया है जो कभी पूरा होना ही नहीं था। अरमान तो ये था कि इस कमरे में मेरे वहीद की बहू आती। कितने शौक से मैंने ये कमरा बनवाया, सजाया, पर जब शादी के दिन पास आए तो बिना मुझसे खुदा हाफिज किए बगैर ही मेरा वहीद खुदा को प्यारा हो गया। जब से इसके कमरे में ताला लगा दिया और आज 12 बरस बाद खोला है। आ इस कमरे की लाज रखियो बेटी। इसकी क्या जरूरत है भाई? अम्मा जरूरत है, इस कमबख्त रहीम के बच्चे को आज ही गिरफ्तार होना था। क्या मुसीबत है ये? तुम दुल्हन बनना बड़ा टेढ़ा काम है, मेरी तो गर्दन दुख गई, झुकाए झुकाए। जी आप अपनी गर्दन घूटी बटांग कर उस पलंग पर सो जाइए, मैं यहां लेट जाऊंगा। कमाल है यार। सोना तो दूर, मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी इस पलंग को। क्यों? जल जाऊंगी। जल जाओगी? दाऊद साहब ये पलंग सुहाग रात के लिए है, दुल्हन के लिए है। मैं एक दुल्हन नहीं हूं, एक तवायफ हूं। अब आप पूछेंगे और आप क्या, मैं खुद अपने आप से पूछ रही हूं कि मैं अपने कोठे से उतरकर इस कमरे में कैसे आ गई। पता नहीं कमरा मेरी कहानी का अंजाम है या बीच, मगर ये जरूर पता है कि इस कहानी का आगाज क्या है। ये कोई 2-4 बरस की बात नहीं, परसों नरसों की बात है। चांद मेरे कोठे की खिड़की से अंदर झांक रहा था और मैं 1000 घुंघरू बांधे हुए नाच रही थी। लगा लगा
गलत भूल बालू गलत भूल बालू गलत भूल बालू बजरिया में आके कटरिया को आके निकाब नोल बालू डुबन अनमोल बालू डुबन अनमोल बालू बोल बालू तू भी तो कुछ बोल बालू तू भी तो कुछ बोल बालू तू भी तो कुछ बोल बालू बजरिया में आके कतरिया गवा के भिका बिन मोल बालू डुबन अनमोल बालू डुबन अनमोल बालू डुबन अनमोल बालू डुबन अनमोल आप फरमाइए रहीम साहब। अरे फरमाना कहेगा बिल्किस भाई, अपनी तो हुलिया बैरंग हो गई है। क्या छोकरी तैयार की है तुमने? मामले की बात कीजिए। मामला कहेगा 2000 तुमको पहला दिया था, 2000 ये पकड़ो, बाकी का 6000 बाद में। आय हाय सरकार, खाक डाली इन 2000 रुपयों पर। इस 10 बरस में भिंडी 12 आने से 7.5 रुपए किलो हो गई है और मेरे चांद जैसे सुल्ताने के दाम वही के वही। 10000 में तो उसके नाखून ना उतरे, नथ की तो बात दूर रही। ये तुम धांधली कर रहे हो बिल्किस भाई, जुलम कर रही हो। आप कहे तो वो 2000 भी वापस कर दूं। सुल्ताना आप 50000 के हो गई है। अरे 50 नहीं तो लाख ले लेना, मगर ये 2000 तो पकड़। अरे पकड़ना, एक मरतबा ये छोकरी को बम्बई पहुंचने दे, फिर देखे छोकरी नोट छापने की मशीन बन जाएगी। मैं रहीम के हाथों बिक गई और वो मेरे जिस्म का व्यापार करने के लिए मुझे बम्बई ले आया, जहाँ मेरे कवारेपन का सौदा शुरू हुआ। चेक साहब पुलिस। मगर इससे पहले कि नीलाम की बोली लगती, पुलिस की धाड़ पड़ गई। एकदम भगदड़ मच गई। रहीम मुझे पीछे की सीढ़ियों से लेकर भागा और मैं अपनी कहानी से निकलकर आपकी कहानी में आ गई। अब तो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक तवायफ इस कमरे में कैसे आ गए, जिसमें अमीना बाई की ममता जाय नमाज की तरह बिछी हुई है। मगर अब इस सवाल का जवाब दो कि मैं एक तवायफ के साथ इस कमरे में कैसे बंद हो गया। इत्तेफाक, बदनसीबी, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन मुझे तो इस इत्तेफाक और बदनसीबी का सामना तुम्हारे जाने के बाद भी करना पड़ेगा। क्या कहूंगा मैं लोगों से? कह दीजिएगा कि एकदम तार आ गया, मुझे मायके जाना पड़ा। फिर ये कह दीजिएगा कि शादी की खुशी न झेल पाई, मर गई। आप तैयार हैं? जी हाँ। इससे पहले के मोहल्ले वाले जाग जाएं, हमें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी की पूछताछ तो कर लें। ये रख लीजिए। ये क्या? कल मुंह दिखाए में मिले थे। तो आपको मिले थे, आप रखिए, मुझे क्यों दे रही हैं? हमारी किस्मत में मुंह दिखाए के रुपए कहां होते हैं सरकार? ये तो आपकी दुल्हन बेगम को मिले हैं, रख लीजिए।
जब आपकी दुल्हन बेगम आए तो उन्हें हमारी तरफ से दे दीजिएगा। नहीं नहीं, ये आप ही रख लें, सफर में काम आएंगे। शुक्रिया। सुनिए जी, इधर से नहीं, हम पीछे से जाएंगे, हमें कोई देख ले तो। वैसे आपकी मेहरबानियों का शुक्रिया। किस बात की मेहरबानी? पहली बार ये जाना कि इस दुनिया में इंसान भी बसते हैं, वरना तवायफ तो एक रात का खिलौना होती है। अस्सलाम वालेकुम दाल सेठ। फजर फजर खिसक रहे थे क्या? कौन हो तुम लोग भाई? हमको रहीम शेख ने भेजा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ले जाओ बेशक। हाँ? बेशक। रहीम दादा का कहना है कि छोकरी इधर ही से रहेगी। इधर ही रहेगी? हाँ। अबे इधर क्यों रहेगी? तो साले तेरा मगज फिर ला है क्या? अखा बंबई में कोई भी रहीम शेख की बात पर क्यों नहीं बोलता, समझा? वो बात ठीक है। जो कह दिया सो कह दिया, जब तक रहीम शेख जेल से नहीं निकलता सुल्ताना इधर ही रहेगी। ये लो अपना पेटी और ये तेरी चाबी। सलाम अलैकुम। और सुनो, ये चाकू देखा है? अगर भागने की कोशिश की तो बस हलास। और तू भी सुन ले चिकने राजा, अब ये लड़की तेरी जिंदगी है बे, अगर ये नहीं तो तू भी नहीं, समझा? अरे दाऊद को सुना तुमने? दाऊद भाई तो बहुत गहरी सोच में है लाला जी, आप हमें ही सुना दीजिए। बीबियो ये जरा मर्दाना बात है। फिर भी सुनो, बांद्रा ईस्ट में पुलिस बाबू कांति दास के घर छापा मार के उनकी चार बीवियां बरामद की। छोड़िए लाला जी, किसी हिंदू के घर में चार बीवियां बरामद हो सकती हैं? वही तो बात है, यही तो पुलिस ने भी पूछा तो कहने लगे कि मेरा असली नाम अब्दुल रशीद फारूक की है। अच्छा। कांति दास तो फिल्मी नाम है। बाद में पता चला कि उनकी असली बीवियां ही नहीं थी तो तवाइफें थी। ये शख्स घर के नाम पे चकला चलाता था। छे, घर में तवाइफें, राम राम। क्या बात है मियां, तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम्हारा ही भांडा फूट गया। क्या बात है दाऊद भाई, बहुत उखड़े उखड़े लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? लतीफ, दाऊद साहब कहाँ हैं? वो देखिए, वो आ रहे हैं। अरे भाई दाऊद, दाऊद। सर, कायनात मिर्जा का मसविदा पढ़ लिया? सर, तो थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा सा बाकी है। आगाज कैसा है? उठान तो कयामत की है। फिर तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। होना तो ये सर। जरा जल्दी पढ़ लीजिएगा। जी सर। वैसे नॉवल का मौजू क्या है? तवायफ। भाभी, भाभी जान दरवाजा खोलो। कब से चिल्ला रही थी, क्या कर रही थी हमारी भाभी? असर की नमाज पढ़ रही थी। आए हाय। अरे लड़कियों सीखो तुम कुछ, तुम ही नमाज पढ़ा करो। आदाब। जीती रहो। क्या पांच वक्त पढ़ती हो? बस पढ़ी लेती हूँ। हाय अल्लाह, देखा? अरे भाई क्या हो रहा है? तस्लीम। जीती रहो बेटी, जीती। खबर है हमारी दुल्हन पांचों वक्त की नमाज पढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, काश हमारी बेटी नादरा भी तुम्हारी जैसी होती। नादरा तो माशाल्लाह हर तरह से प्यारी है। चलो भाभी खाना खाने चलो ना। वो नहीं आएंगे खाने के लिए, वो दुकान पे ही खा लेगा। जा। चलो चलो लड़कियों, चलो, चलो, चलो। खाना ठंडा हो रहा है। कायनात को बता दूं सुल्ताना के बारे में, शायद वही कोई हल बता दे। नहीं 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 नहीं, बात बिगड़ भी हो सकता है, कायनात उलट समझे। क्या बात है? आप बहुत चुप चुप है। नहीं ऐसे बस। तो फिर कुछ बातें कीजिए। क्या बातें करूं? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, लीजिए। नहीं, दरअसल बात यह है कायनात, जिंदगी में कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जो बांटी नहीं जा सकती। मसलन? मसलन के मेरी ही जिंदगी को ले लो, इसमें एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बारे में ना मैं तुम्हें बता सकता हूं और ना ही उस हादसे से निकल सकता हूं। फिर
फिर क्या अल्लाह के हवाले? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं? हाँ, बस यूं ही मुस्कुराती रहा करो। क्या इससे परेशानी दूर हो जाएगी? बिल्कुल, कुछ देर के भूल तो जाएगी। अरे बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? ये ठंडा भी हो सकता है। चलो चलो बैठो। अरे भाई तुम पढ़े लिखे लोगों की तो यही तकलीफ है, बातें बहुत करते हो। और ये मेरी लड़की बहुत ही बोर है। अम्मी खाओ बेटे खाओ। चलो अच्छा तो खुदा हाफिज। खुदा तो हाफिज है ही। अगर आप अपनी परेशानी नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, लेकिन ये तावीजी कुरान अपने पास रख लीजिए, इंशाल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लीजिए। दाऊद साहब के सोने का अलार्म बज गया और ये लाल साहब अभी तक आए नहीं। बीवी बनना भी कितना मुश्किल है, मेरा तो भूख से दम निकल रहा है। अच्छा कर रही हो जो खाना खा रही हूँ। हाँ। वहमा, मैं तो नमक चख रही थी। मेरी मानो तो खाना खा ही डालो। उनके बगैर मैं कैसे खा लूंगी? देखा अभी तक नहीं आया ना लाड साहब का बच्चा, आने दो, ऐसी खबर लूंगी बहू का जरा भी ख्याल नहीं है नवाब साहब को। अमीना बाई की बात मान ही लो सुल्ताना। चलो खाना खा लो। ओफो, फिर वही मुसीबत। अल्लाह मुझे बचा। आइए दाऊद साहब, आइए आइए, खाना हाजिर है। तुम खा लो, मैं खा के आया हूँ। असली बीवी होती तो तुम्हारे सिर पर मारती। ये तो तवायफ ही है जो शराफत दिखा रही है। पर खाना खाया किसके साथ? कोई लड़की वड़की है क्या? अरे देर से आए, कोई लड़की तो जरूर होगी, क्यों है ना? भाग ना, मेरी लुंगी छोड़। अमा यार, हमारे हाथ से शाही टुकड़ा ही खा लीजिए, कमाल है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? वो तुम कपड़े बदलो, मैं जरा हो गया तो हम बाहर। जब बीवी कपड़े बदलती हो तो शौहर को बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी तो वो खुद ही उसके कपड़े उतार देता है। तो तुम इस तरह मुझसे बात मत करो। यार मुफ्त में शौहर बनने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तुम बहुत ही बदमाश हो, बहुत ही बदमाश हो तुम। सुनो जनाब दाऊद खान यूसुफ़ज़ई साहब, ना तो आपने मुझे यहाँ बुलाया है और ना ही मैं यहाँ खुद आई। दोनों रहीम के डर से यहाँ पड़े हुए हैं, ये तो किस्मत का कसूर है, तो हम आपस में क्यों उलझे? ये वक्त हंस के भी गुजारा जा सकता है। खुदा करे मुझे परेशान मत कर प्लीज, खुदा करे। अब जा बाथरूम और कपड़े बदल ले। अब जानो उधर भी। जाती हूँ। अल्लाह कहाँ फंसा दिया मुझे इस मुसीबत के साथ। ये थिएटर का पर्दा क्यों? कोई ड्रामा करोगे क्या? तुमको ये बात समझ में नहीं आएगी, मैं इस कमरे को इस पर्दे से दो हिस्सों में बांट रहा हूँ। पर्दे के इस तरफ पलंग पर तुम सोओगे और पर्दे के उस तरफ मैं सोऊंगा, समझा? बड़े बेवकूफ हो। क्यों? अरे लोग तवाफ के कोठे पर घर बार छोड़कर जाते हैं। और एक तुम हो कि तवाफ कोठे से उठकर तुम्हारे घर में आ गई और तुम शराफत का तमगा लिए फिरते हो। देखो जी मेरी बात मानो और चुपचाप जाके उस पलंग पे सो जाओ आप। हाँ। अम्मा यार मुझे ना अकेले सोने की आदत है ना ही तालीम।
मुझे तो नींद ही नहीं आती। मुझे तो वैसे भी नींद नहीं आएगी। तुमने इस घर का चैन जो छीन लिया। अरे जा, हमने तो इसमें जिंदगी फूंक दी है, वरना तुम्हारी जिंदगी में था ही क्या? अमीना भाई, यह ज्यादा से ज्यादा नादिरा बोलता है। देखो सुल्ताना, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, उसके ऊपर से सीना जोरी। सीना जोरी तो हमने अभी तक की नहीं जनाब। खुदा बंदे करीम, कहां फंस गया। बड़ी शैतान छोकरी, शर्म तक नहीं आती, किसी बात का लिहाज तक नहीं करती। बदमाशी की भी हद होती है भाई। स्टूपिड, मैं क्या करूं, अल्लाह क्या करूं। कौन रही? नींद नहीं आ रही है ना? तुम जो यहाँ हो तो नींद कैसे आएगी मुझे? आएगी भी कैसे, जवानी और शराफत में कश्मकश हो रही है। ओ खुदा या खुदा के लिए, जा यहाँ से, दबाओ जा यार। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मेरे हाथ किसी का खून हो जाए तो मुझे कितने साल की सजा होगी। झूठ, इस वक्त तुम उस लड़की के बारे में सोच रहे हो जिसके साथ खाना खाया था। लेट के सोचो। शब खैर। दाऊद साहब, ओ दाऊद साहब, चाय हाजिर है। मैं तुम्हारे ख्वाब देख रहा था। अच्छा, सुबह सुबह। चलिए उठिए ना, चाय पी लीजिए। देखो मुझे यूं हाथ मत लगाया करो। मतलब ये कि हाथ तो लगाया करो मगर यूं नहीं, लो प्यार से हाथ। बायमा, ये बायमा के सिवा कोई नहीं हो सकता। ठीक 7:30 बजे घड़ी की तरह टन से बज जाती है। चलो उठो, तुम तो दरवाजा खोलो। ये क्या तस्लीम बायमा? सलाम वालेकुम बायमा। जीते रहो भाई, जीते रहो। आपस में झगड़ा हुआ है क्या? नहीं भाई अम्मा, चाय में चीनी जरा ज्यादा पड़ गई थी, गुस्सा आया मुझ पर और उतरा इस बेचारी प्याली पर। आइए, क्या है लड़के? सूरज का हंडा सर पे लेके ढूंढेगा तभी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। बेचारी बंबई पहली बार आई है तो इतना तो हुआ नहीं कि घुमाने फिराने ले जाता, ऊपर से प्याली तोड़ता है। आज इतवार है, जा घुमा फिरा ला, जा। ये नहीं लेके जाएंगे भाई। कैसे नहीं ले जाएगा? अरे बम्बई में देखने को है क्या? चोर बाजार, सट्टा बाजार और इसके अलावा और क्या है? अच्छा, तो फिर निकाल 6 महीने का किराया और उधार के 270 रुपए। हाँ अभी निकाल। अच्छा बाबा, ले जाता हूँ। उधार के पैसे मत मांगना। जी नमस्ते। नमस्ते मियाँ, कैसे घूम रहे हो? ऐसे ही बस। आपने बताया नहीं है कौन है। बात यह है निगम साहब, हुआ ये कि मियाँ हम समझ गए, आपने हमसे ये बात छुपाई कि आप एक अदद बीवी के शोहर भी हैं। और मतलब भी समझ गए, आप कंजूस ठहरे, दावत नहीं खिलाना चाहते क्यों? इसलिए नहीं बताया। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? सुल्ताना। जीती रहो बेटी। ये तो कंजूस ठहरा, आप तो दावत खिलाएंगी ना? आप जिस दिन तशरीफ लाएंगे उसी दिन दावत हो जाएगी। क्यों जी? हाँ, क्यों नहीं। जी तेरे बेटी, दावत तो हमें देनी चाहिए, तुम तो हमारी बहू हो, हम तो मजाक कर रहे थे। अमा दाऊद मियाँ। जी सर, जी सर। मुबारक हो, हमें तुम्हारी बीवी बहुत पसंद आई, खूबसूरत है, तहजीब वाली भी है। मैं तो ये लो, हमारी पलटन भी आ रही है।
ये मेरी चार बेटियां हैं, टीना, मीना, चीना और बीना, और ये इनकी सहेलियां हैं, और ये सहेलियों की सहेलियां हैं। बेटा हम लोग पिकनिक करने आए हैं, तुम भी हमारे साथ आओ। नहीं सर, हम नहीं, 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 क्या वो हमारी बेगम आ रही। अरे सुनो तो सही बेगम, एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, तुम इधर आओ। अरे जल्दी आओ। क्या है? नमस्ते। दाऊद की शादी हो गई। पादी लो, कितनी बार कहा है कि चने मत खाया करो, लेकिन सुनते कहाँ हो, बादी तो होगी ही। हाँ। मम्मी बादी नहीं, शादी। शादी? हाँ हाँ कर ले शादी, चढ़ जाए घोड़े पे, बच्चे पीछे से तालियां बजाएंगे। हाँ बेटी अपनी माँ से कह दे कि दूल्हा घोड़े पर नहीं घोड़ी पर चढ़ता है। डैडी अपनी शादी की बात नहीं कर रहे। चिल्ला क्यों रही हो, क्या मैं बहरी हूँ? किसने कहा, किसने कहा? अरे दाऊद ये तुम्हारे साथ कौन है? यही तो कह रहा हूँ कि इनकी बेगम है, जाओ आशीर्वाद दो। तो पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मुझसे गलती हो गई। जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें बेटा दे। अल्लाह क्यों दे, भगवान क्यों नहीं? बेटे बात ये दाऊद कि जब शादी हुई, शादी के बाद इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बेटा दे दे, और चारों बार बेटियां हुई। इसलिए भगवान का दिल उखड़ गया है, अब अल्लाह से चक्कर चला रही है। अब न बेटा होगा न बेटी। आओ बेटी तुम मेरे साथ आओ। नहीं नहीं भाभी हमारे साथ ही आएंगी। मैं ऐसा कह रहा हूं। बैठ बैठ तुम ही आ। बैठ अरे बैठो बेटा, बैठो ना। शोहर, ओ मेरा शोहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला बैठा है देखो नजरे झुकाए। मेरा शोहर बड़ा शर्मीला बैठा है देखो नजरे झुकाए। कुछ कहना तो चाहे मगर बोल नहीं पाए, जुबा खोल नहीं पाए। मेरा शोहर ये मेरा शोहर बड़ा शर्मीला बैठा है देखो नजरें झुकाए। मेरी बीवी गजब की चालू बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। मेरी बीवी गजब की चालू बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। मुसीबत ये गले पड़ी बैठे बैठाए, अब तो अल्लाह बचाए। मेरी बीवी गजब की चालू बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए। बात एक रात की है, थक के मैं जब सोया था, मीठे मीठे से किसी ख्वाब में मैं खोया था। हुई दस्तक तो मैं समझा कोई मेहमान आया, क्या खबर थी कि मेरी मौत का सामान आया। खोला दरवाजा तो सूरत की ये भोली भाली, खाली घर देख के बन बैठी मेरी घरवाली। किस्मत ने कैसे मुझे दिन ये दिखाए, मुझे कोई तो बचाए। हाय बीवी मेरी बीवी गजब की चालू बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर न जाए।
मेरा शोहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला, बैठा है देखो नजरे झुकाए। खाली था तेरे घर को बसाया हमने, बनके बीवी तुझे इंसान बनाया हमने, नखरे सह कर भी तेरे लब पे मेरे आह नहीं, खादिमा ऐसी हूँ जिसकी कोई तनख्वाह नहीं, तेरी बिगड़ी हुई हर बात बनेगी हमसे, देख दुनिया में तेरी शान बढ़ेगी हमसे। लाज नहीं आए मेरा शौहर, ये मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, बैठा है देखो नजरे झुकाए। मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर नचाए, मुसीबत ये गले पड़ी बैठे बैठाए, अब तो अल्लाह बचाए। हाय बीवी मेरा शौहर, हाय 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 बीवी ओ मेरा शौहर। क्यों, एक्टिंग ठीक थी ना? चूल्हे भाड़ में गई तुम्हारी एक्टिंग, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। बात बढ़ती चली जा रही है और मेरी मुश्किलें भी साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। जितना निकलने की कोशिश करता हूं उतना ही दलदल में धंसा जा रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं फंसाना चाहती, यह तो सब किस्मत का खेल है। किसकी किस्मत का, मेरी या तुम्हारी? शायद दोनों की, लेकिन एक दिन तो मुझे चले ही जाना है। तुम्हारे चले जाने से भी तो मेरी मुश्किल दूर नहीं होती। किस किस को समझाता फिरूंगा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी का एक हादसा हो। मैं आपकी जिंदगी का हादसा जरूर बन गई हूं, बदनसीबी कभी नहीं बनूंगी। तवायफ हूं, एहसान फरामोश नहीं। आज चटाई पर मैं सो जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता। आप जो भी हो इस घर की मेहमान है। दाऊद भाई, सुबह का पेपर इंकलाब उर्दू। दाऊद भाई, ओ दाऊद भाई, ओ नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाभी जी, ये चद्दर क्यों तान ली? पांड्या भाई, दरअसल हमने सोचा कि चद्दर के इधर बेडरूम और चद्दर के उधर ड्राइंग रूम, खोली को एक बेडरूम हॉल का फ्लैट बना लिया। बहुत अच्छा जोक मारती हैं आप भी, इसी बात पे एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हो जाए। अरे पार्टनर, आइए पांड्या जी आइए। इधर से गुजर रहा था तो ख्याल है क्यों नहीं पार्टनर से मिलता हुआ चलो। दाऊद भाई, अपना वो पार्टनरशिप वाला बात भूला तो नहीं ना? नहीं, ड्यूटी पे। अच्छा, उस दिन हम तुमको बोला था ना रहीम दादा वाला बात, उसी बात पे एक आइडिया फिट हो गया। उस रात एक छोकरी था उसके साथ, ओ वो छोकरी जादू का टोपी पहन लिया और गायब। ओ भाभी जी, भाभी जी, अगर छोकरी मिल जाए ना तो दाऊद भाई का दिन फिर जाएगा। और दाऊद भाई एक बात याद रखो, अपन इस स्टोरी का 5.25 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे। अरे दाऊद, पांड्या, सलीम, जावेद, कल्याण जी, आनंद जी, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, दफ्तर जाना है।
फिर कभी बैठेंगे फुर्सत में, कहानी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, तो हम भी चलता है। दाऊद साहब, लालाजी तक पहुंचा दो। मैंने कानात मिर्जा के नॉवल पर आपका नोट पढ़ा, आपने इतनी तारीफ की है कि अब तो नॉवल को छापना ही पड़ेगा। सच? बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? आपको पता नहीं सुलेमान साहब कि नॉवल छापकर आप कायनात की कितनी मुश्किलें दूर कर देंगे। अरे भाई, मुश्किलें तो दूर करने के लिए होती हैं, दूर कर दी जाएंगी। आप ऐसा करिए सर, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से कह दें कि वो नॉवल की किताबत शुरू कर दें। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर सर। और ये लीजिएगा प्रिंट ऑर्डर। अरे भाई अहमद, वो गुलशन नंदा का नॉवल आ गया क्या? अभी जाकर उसे खबर सुनाता हूँ। ये खुशखबरी सुनकर कायनात पागल हो जाएगी, दाऊद मियां पागल हो जाएगी। आदाब। कौन आदाब। है बेटी? अम्मी, सुलेमान साहब हैं, किताब घर के जनरल मैनेजर। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाता चलूं। किताब घर ने आपके नॉवल को छापने का फैसला कर लिया है। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख रहे। और किताब घर की तरफ से ये हकीर सा नजराना भी कबूल फरमाइए, लीजिए ना बतौर एडवांस। 3000 रुपए? इतना बड़ा एडवांस? बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। बेटे ये समझो कि सूखे धानों को पानी मिल गया। बैठो ना, मैं अभी चाय ले आती हूँ। खुश? आजाब। लाहौल विला कुवत, आप जरा तमीज से बैठा करें। यहाँ बाहर चाल के लोग, क्या मुसीबत है का। किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? ये कायनात मिर्जा कौन है? क्यों? है एक नई राइटर। वही लड़की? बहुत खूबसूरत है क्या? है तो सही, मुझसे भी ज्यादा। घर के चिराग और महफिल की शमा का मुकाबला नहीं किया करते। चलिए हम महफिल की शमा ही सही, मगर चलते तो चिराग ही की तरह है। आप कायनात से मोहब्बत करते हैं? मालूम नहीं, शायद करता हूं। वो भी करती है? ये भी मालूम नहीं, शायद करती है। ये शायद वाला इश्क ठीक नहीं है। इश्क किया है तो उसका इजहार भी कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पहल कर जाए और आप दिल थाम कर रह जाए। ये है आपके नॉवल बंद दरवाजा का फ्रंट कवर। ये तो बहुत खूबसूरत है, है ना? हाँ। इसके बैक कवर के लिए आपका एक शानदार खूबसूरत कलर फोटोग्राफ चाहिए। मेरा फोटोग्राफ? जी, जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। हाँ। अरे भाई दाऊद। जी सर। अच्छा वो तुम मिल गए, बेगम ने तो नाक में दम कर रखा है और बेटियां तो हर वक्त क्या नाम है सुल्ताना का नाम रखती रहती हैं। एक दिन आओ मेरे यहाँ। अरे हाँ, ये नाटक हो भाई। सर ये है कायनात मिर्जा साहिबा, जिनकी किताब हम छाप रहे हैं बंद दरवाजा। और ये है निगम सेठ, इस किताब घर के मालिक निगम साहब। आदाब। आदाब अर्ज़, बड़ी खुशी आपसे मिलकर। शुक्रिया। सुलेमान साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। उनकी मेहरबानी है। अच्छा अच्छा, फिर कल रात का खाना हमारे यहाँ। और सुनो, अकेले नहीं उसे भी साथ ले आना। क्या बात है, बड़ी दावतें हो रही हैं आजकल, ये किसको साथ ले जा रहे हो? ऐसे ही निगम साहब, ऐसे ही। ऐसी बात है तो हमें साथ ले चलिए। हाँ तो तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप इतना घबरा क्यों गए? मैं घबरा रहा हूँ? हाँ। नहीं, मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं क्यों घबरा हूँ, मैं तो अब सूरत ही ऐसी तो। आपने याद फरमाया? हाँ लाला, बैठ जा। यार तुमसे एक सलाह लेनी थी। फरमाइए। हम चाहते हैं कि दाऊद की तनख्वाह बढ़ा दी जाए।
सुलेमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। लड़का तो बहुत अच्छा है, लायक है, एमए पास है, तरक्की तो होनी चाहिए। तो फिर उसकी तनख्वाह 300 रुपए बढ़ा दो। जो हुक्म, मैं भी जाकर उसे खुशखबरी देता हूँ। और सुनो यार लाला, लाला तुम उसकी बीवी से मिले क्या? क्या उसकी शादी हो चुकी है? मुझे भी कहाँ पता था, लेकिन क्या लड़की है, हर तरह से कमाल है, यानी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फैंटास्टिक। उसी को देखकर मुझे ख्याल आया कि दाऊद की तनख्वाह जरा कम है, जाओ उसे खुशखबरी सुना दो। जी अच्छा। हेलो उस्मान जी, इधर आओ, इधर आओ। फातिमा, राधे श्याम, तुम भी इधर आओ। दाऊद, सब लोग इधर आओ। भाई दाऊद को मुबारकबाद दो। लाला जी, किस बात की? अरे ये जनाब तो बड़े चंट निकले हैं। हाइट ऑफ डिसऑनेस्टी है कि जनाब ने शादी कर ली और कानो कान तक खबर नहीं होने दी। अरे वाह, न डिनर न एट होम। भाई हमें तो दावत वलीमा चाहिए। अगर मैं सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे होश अभी तक काबू में नहीं है। हमें तो पार्टी चाहिए, हमें तो पार्टी चाहिए, हमें पार्टी चाहिए, बगैर छुटकारा नहीं है। ठहर ठहर ठहर, एक खुशखबरी और है। वो क्या? निगम साहब ने इनकी तनख्वाह 300 रुपए माहवार बढ़ा दी। भाई 300 रुपए महीने की तरक्की हुई है, दुल्हन के कदम कितने मुबारक हैं। आपको पार्टी होगी। अल्लाह खैर, क्या हुआ? हुआ मेरा सर, ये दाऊद साहब को इतने जूते पड़ेंगे कि उनके होश ठिकाने लग जाएंगे। हाँ क्या किया तुमने? अरे किया, मैंने नहीं किया, तुमने तुमने तुम पानी का खरा। सारे दफ्तर वालों को हमारी शादी के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया, मालूम है? और अरे पानी पीने उसके दिया। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि वो शादी की दावत मांग रहे और खाना खाने के लिए आना चाहते। अरे पानी पीने तो डाला, बात करो बीच में। तो ये बात है, तुमने तो मुझे डराई दिया था। आना चाहते हैं तो आने दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि निकम सेठ और उनके घर वालों को भी बुला लो, ताकि एक साथ ही सबका हिसाब चुका। हाँ, 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 हाँ। तुम तो सारे शहर को ही बुला लो, मेरी बात मानो तो, अपने वो रहीम दादा को भी बुला लो, ताकि एक झटके में फैसला हो जाए। हाँ? बात करती है। अरे इतनी बड़ी फौज को यहाँ बैठाएंगे कैसे, और इतने लोगों को खाना खिलाने में मालूम है कितना पैसा खर्च होगा। हाँ हाँ मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? खुद से जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, कहती रहती है। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा, आप दावत दे दीजिएगा। दाऊद मियां जी, लाला जी। अरे भाई कब ला रहे हो खाने पर? मेरा ख्याल है सनीचर की रात ही ठीक रहेगी। वैसे मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारी बेगम से मिलने का इश्तियाक है। निगम साहब क्या तारीफ कर रहे थे। हाँ एक मिनट इधर आओ जी। ये रुपए उन्होंने तुम्हारे लिए एडवांस के तौर पे भेजे हैं। ये गलत कमरे में कैसे आ गया? था तो आ जाइए जनाब, ये आप ही का कमरा है। अरे ये सब कैसे किया तुमने? अल्लाह दीन का चिराग, मैंने सोचा वो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग मुझे तुम्हारी बीवी समझते हैं, खातिर तवाजा नहीं की तो कहेंगे दाऊद की किस्मत फूट गई, ऐसी फूहड़ बीवी मिली है कि घर में पानी पीने तक का इंतजाम भी नहीं है। अरे मगर इतने रुपए कहां से आए? एक तो वो मुंह दिखाई के रुपये थे और दूसरी वो हीरे की नथ थी, आपके घर में तो उतरी नहीं, बेच दी। और अगर वो रहीम ने पूछा कि नथ कहां गई तो? उसके बाप की थी जो पूछेगा, अगर हरामजादे को उतरवानी होगी तो नहीं बनवा देगा। मगर सुल्ताना तुमने ठीक नहीं किया, कम से कम उससे पूछ तो लिया होता। कितने ही काम आपसे पूछे बगैर कर लिए, आपसे पूछे बगैर इस घर में आ गई, आपसे पूछे बगैर सपना देख रही हूं कि मैं वाकई आपकी बीवी हूं। ये मत समझिए कि तवायफ प्यार नहीं कर सकती, तवायफ प्यार कर सकती है मगर ना उसका इजहार कर सकती है ना यकीन दिला सकती है। मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? मैं तुमसे क्या कहूं? कुछ मत कहिए, चुपचाप सुनते जाइए। ये ना मैं तो भूल ही गई, ये तस्वीर लगानी थी। ये अल्लाह मारी दीवार भी बाबा आदम की है। चोट लग जाएगी, क्या करती है? ये क्या है? कुछ कुछ नहीं, साड़ी है तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ।
आराम दफ्तर में 300 रुपए की तरक्की हुई, तो मैंने समझा कि तरक्की तो तुम्हारी वजह से हुई, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा एहसान की कीमत अदा कर रहे हो। अरे जालिम, झूठ से ही कह देते प्यार का तोहफा लाए हो, हम तो जान दे देते हाथ पर। खैर, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए, और ये सब कीमती तोहफा लो अपने हाथों से ना दो। तुमसे नहीं तो तुम्हारी साड़ी से ही लिपट जाऊंगी। देखिए सुल्ताना जी, मेहरबानी करके सही तरीके और सलीके से पेश आइएगा। हाँ, दफ्तर का मामला कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वक्त क्या हुआ, आए भी नहीं अभी तक इन लोग, कमाल है, क्या हुआ होगा। अरे आगे 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 आगे, सही तरीके से। हम आगे भाई हम। अरे अरे, आइए ऑफिस में। आदाब 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 आदाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहे। लीजिए भाभी साहब, बहुत अच्छा बना। कालीन भी है, कालीन भी। अरे दाऊद मियां, दाऊद साहब, दाऊद साहब। अरे ये तो बेटे मेरे दी अंगूठी। हाँ बेटे, हमेशा पहने रखना इसे। अरे वाह, एक कमरे का बड़ा अच्छा फ्लैट बना रखा है। सर आइए ना घर। हाफिज मियां, तुम्हारे पास बैठो, तुम्हें खरीदे कर दो। नहीं ना, आइए लाला जी, वेलकम। आदाब, जीत रहो जीत रहो। ये लो बेटा, आप लोगों ने इस दावत को तो व्यापार में बदल दिया है। बिल्कुल, खाली हाथ भी तो नहीं आया जाता। सर पे हाथ रखते थे, वही काफी था। भगवान तुम्हें खुश रखे। देखा लाला, इसे कहते हैं तहजीब, जो सिर्फ खानदानी लोगों में ही पाई जाती है। आइए भाई अम्मा, आइए, ये हम सबकी भाई अम्मा। आदाब आदाब। सलाम अलैकुम। और ये निगम साहब, आपके बेटे के सेठ। लीजिए लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए भाई अम्मा। लाला जी, लाला जी, लाला फकीर चंद जी। आदाब आदाब। आ जाइए, खाना भी लग गया है जी। आइए, उठिए लाला। उठिए, क्या बताओ। रूह अफ़ज़ा भाई, ये जुकाम के लिए अच्छा नहीं, आप तो बर्फ शाह पीजिए। तो बेटा तुम ये ले लो, ये एक्चुअली खाना लग गया। आइए निकम साहब, आइए। मुशीर माल आ गया, लाओ ये इधर। अरे बाप रे, कितनी सारी चीजें बना डाली हैं। ये सारे चाय की तरफ से आपके लिए दावत है, सभी कुछ न कुछ बना के लाए हैं। अरे वाह, सब सुना लाला, देखी बहू क्या दिल अजीजी। हाँ करता हूँ करता हूँ। ये चावल है ना, चावल में मांस है ना। आप मटर पुलाव लेना की माँ, तुम दुबली होते जा रहे हो, ज्यादा खाओ। अरे यही चावल खा लेंगे, इससे कुछ नहीं होता, मांस हटा देंगे। बस बस बस। लाला जी, सिगरेट शर्माइएगा। सिगरेट, सिगरेट पी लेंगे। ये लीजिए। अरे आपने इन्हें आइसक्रीम दे दी, कमाल कर दिया, जुकाम है इन्हें। क्यों ब्रो? सेठ जी, खाना तो बहुत अच्छा हो गया, पेट भर गया, अब इसको हजम करने के लिए गाना होना चाहिए। खाना, अब भी तो खाना खाया, और कितना खाना खाओगे? खाना नहीं, गाना। ओ गाना। अरे हाँ, सुल्ताना तो गाती है, गाना सुना दो बेटी। ओ मवी, सुना। आज की शाम आपके नाम, आज की शाम आपके नाम। ये वफा जिंदगी झूमा उठी, प्यार को प्यार मिला। वक्त रूठे ना कभी, साथ छूटे ना कभी, जिंदगी ख्वाब सही, ख्वाब टूटे ना कभी। नाम मोहब्बत इस दुनिया
यूं ही शाद रहे, बज्म आबाद रहे, आज की शाम हमें सुबह तक याद रहे। ये लो कीमा पाओ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? खुदा का शुक्र है रहीम चुपचाप चला गया, नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, लेकिन अब क्या किया जाए? लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। हालात की सितम जरीफी देखिए, लोग तुम्हें मेरी बीवी समझते हैं। ना मैं तुम्हें जाने के लिए कह सकता हूं, ना रुकने के लिए। मैं तुम्हारी मुश्किलें समझती हूं, तुम फिक्र मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। अब तुम जाओ ऑफिस। सुनो पान, अरे जरा मुस्कुरा के तो जाओ। नहीं सुल्ताना नहीं, तू अभी उधर नहीं रह सकती, तेरे को इधर आना ही पड़ेगा। तुम क्या लाट साहब हो कि जब चाहो छोड़ा और जब चाहो बुला लो? ताऊ तुम्हारा नौकर है क्या? ज्यादा होशियारी नहीं मांगता समझा? मेरा नाम रहीम शेख है, बकवास बंद। ये जो थोबड़ा है ना, सोजा डालूंगा याद रखना, नहीं आएगी, इसके बाप का राज है। चल बे गिलास बना। सुनो रहीम शेख, दाऊद एक शरीफ आदमी है, हमारे बुरे वक्त में काम आया था। मेरा एकदम यहाँ आना अच्छा लगेगा क्या? लोग पूछेंगे कि बीवी कहाँ चली गई, तो वो बेचारा क्या जवाब देगा? हाँ इधर, तेरा किधर उसके साथ कोई चक्कर तो फिट नहीं हो गया है? हाथ मत लगाना, इस वक्त मैं तुम्हारी रांड नहीं, दाऊद की बीवी हूँ। तू तो ऐसा बोल रही है जैसे तू सचमुच दाऊद की बीवी है। अरे चल, सचमुच की बीवी ना सही, लेकिन दुनिया के सामने दाऊद की बीवी जरूर हूँ। मैं वापस जाकर उनका घर गंदा नहीं कर सकती। रहीम शेख, दाऊद ने तुम्हारी सुल्ताना को हाथ नहीं लगाया, तुम भी उसकी इज्जत को हाथ मत लगाना। उसकी इज्जत गई तेल लेने, मेरे धंधे का क्या होगा? तो क्या उसके एहसान का बदला उसे बर्बाद करके चुकाओगे? उसका एहसान उतारने के लिए मैं सारी जिंदगी तेरे को उसकी बीवी बनने के वास्ते नहीं छोड़ सकता, समझी? ये मैं कब कहती हूँ? क्या बोली तू? मैं तो ये कह रही थी कि अगर मैं एकदम आ गई तो चार में हर किस्म की आंखें उठेंगी, हर किस्म के सवाल उठेंगे, और जिससे वो बेचारा बदनाम हो जाएगा। रहीम शेख, एक तवायफ से बीवी बनी, आखिर एक बीवी से तवायफ बनने के लिए कुछ तो मोहलत दोगे? क्या मतलब, क्या है तेरा मतलब? ये कि दो चार दिन में कोई बहाना बनाकर खुद ही आ जाऊंगी कि उस पर कोई आंच ना आए, और बगैर किसी हंगामे के तुम्हारी सुल्ताना तुम्हारे पास आ जाएगी। चलो ठीक है, मान लेता हूं, मगर एक बात याद रखना, मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मेरा नाम रहीम शेख है, और रहीम शेख इस हाथ को गर्दन तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा चलती हूँ। अरे बहन क्या बताऊं,
अस्सलाम वालेकुम सुल्तान आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। छोड़ दो अम्मा जी, क्या करते हो? अम्मा गई है अमीना बाई के साथ भिंडी बाजार। आओ भाभी। चाची कहाँ है? बाजार गई है। आओ मेरे साथ। अरे भाई नई किताबें डिस्प्ले तो कर दो, फिर देखा जाएगा। जी सर, कोशिश तो करेंगे लाला जी। अरे भाई दाऊद, ऐसी ताक के दावत की कि हमारा पत्ता ही साफ। ऐसी बात नहीं है सर, आप तो दिल्ली गए हुए थे और हुआ ये कि लाला जी ने दावत मेरे सर पे थोप दी, तो मैं करता क्या? भाई सब तुम्हारी बीवी की बहुत तारीफ करते हैं, कभी हमें भी उनसे मिलवा दीजिए ना। जी हाँ सर, आप जब कहिए हुक्म दीजिए। हफीज मियां जी, इन नई किताबों को शेल्फ पर लगा दीजिए। और हाँ, कायनात का नॉवल बंद दरवाजा छप कर आ गया है। वाकई? ये देखिए। बस ड्राइवर साहब यही रुक दो। चलो मोड़ लो वापस। आइए आइए, तशरीफ रखिए ना। आज मैं तशरीफ रखने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आया हूँ। क्या? किताब घर की तरफ से आपके नॉवल बंद दरवाजा की पहली जिल्द आपकी खिदमत में पेश करने का शर्फ हासिल करना चाहता। मेरी किताब छप गई, बंद दरवाजा छप गई। ये सचमुच मेरी किताब है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। मुझे जाए। अगर वो कर भी लेंगे तो मैं क्या कर लूंगा? उनके जीत जाने का डर है। सुलेमान साहब मुझसे कभी जीत तो नहीं सकते। हाँ, मैं उनसे हार जरूर सकता हूं। मैंने सुलेमान साहब और निगम साहब का शुक्रिया अदा करने के अलावा एक लफ्ज भी और बोला तो मैं रो पड़ूंगी, और खुशी में रोने का यह मेरा पहला तजुर्बा होगा। कायनात, जलसा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। आपका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं? अरे भाई शुक्रिया अदा करना है तो दाऊद मियां का करो, क्योंकि जो कुछ हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ। अरे भाई सुलेमान मियां जरा यहाँ ना। मैं भी हाजिर होता हूँ। शुक्रिया अदा करूं? कीजिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सलमान भाई,
पार्टी भी शानदार और लड़की भी शानदार। अरे भाई सुलेमान भाई, कायनात मिर्जा के साथ हमारा भी एक फोटो खिंचवा दो। जरूर जरूर। मेरी किताब के दूसरे एडिशन की पहली कॉपी, आपकी नजर। दाऊद के लिए, जिनके बगैर मेरी दास्तान अधूरी रह जाती। प्यार के साथ, तुम्हारी कायनात। शुक्रिया, आपकी किताब का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, आपके आदाब का भी शुक्रिया। इससे पहले कि आदाब खुदा हाफिज में बदल जाए, चलिए हम लोग यहां से चलते हैं। चलिए। आपने हमारे घर ना आने की कसम खा रखी है, आज मैं आपको अगवा करके ले जाऊंगी। ले चलिए ना। अरे भाई दाऊद मियां। सर आप जा रही हैं क्या? सर मैंने छोड़ के आता हूँ। मेरी गाड़ी में छोड़ दो ना, ड्राइवर भी नीचे। ठीक बात है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस यार रुक दो इधर। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ना कहिए, क्योंकि आप जो कहना चाहते हैं वो मैंने सुन लिया है। सुनिए, शकुर मियां ये हंगामा कैसा? अरे खत्म हो गया दाऊद, नादरा भाग गई। हाँ, लगता है डांस मास्टर के साथ भाग गई। सारे कयामत है। कयामत है भाई कयामत। बाप नमाजी और बेटी ने ये रंग दिखाए हैं। छी 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 छी। ज़ेबा भाई मकान है। उम्रुद्दीन साहब की खोली में बैठे हुए हैं। साटा में खड़ो चाचा। भाई मकान जानता है दाऊद, नादरा भाग गई। शाम से उसकी कोई खबर नहीं। हम तो बर्बाद हो गए बेटे। डांस सिखाना इतना महंगा पड़ेगा, मालूम नहीं था। सुल्ताना कहाँ? उसे भी बहुत देर से नहीं देखा। कहीं सुल्ताना ने अपनी जात तो नहीं दिखा दी? हो सकता है नादरा को वही भगा के ले गई हो।
खुशी न भंवर में डूब जाए तेरे प्यार की।